हेलो दोस्तों, अगर आप IPL 2023 के सभी मैच के हाइलाइट्स और न्यूज़ अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। टेबल में पहले नंबर पर पहुंची लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को IPL के 10वें मैच में 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 121 रन ही बना सकी। इसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 5 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ की ओर से कप्तान KL राहुल ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आदिल रशीद ने 2, भुवनेश्वर कुमार ने 1, फारूकी और उमरान मलिक ने 1-1 विकेट लिया। हैदराबाद द्वारा मिले 122 रनों का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स को 35 के स्कोर पर कायल मेयर्स के रूप में पहला झटका लगा। मेयर्स ने 14 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दीपक हुड्डा कुछ देर बाद 7 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद KL राहुल और कुणाल पांड्या ने 3rd विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। कुणाल पांड्या 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद आदिल रशीद ने 1 ओवर में 2 विकेट लेकर लखनऊ के 5 विकेट गिरा दिए। कप्तान KL राहुल ने 31 गेंद में 35 रन बनाए। मार्कस स्टोनिस 9 और निकोलस पुरन 11। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 121 रन बनाए। बीच के ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने विकेट गंवाने के साथ रन भी कम बनाए। टीम के लिए राहुल त्रिपाठी ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। लखनऊ के लिए कुणाल ने 3 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत ठीक रही। टीम ने पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट गंवाया था, लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद टीम ने 3 ओवर के अंदर 3 विकेट गंवा दिए। मयंक अग्रवाल 7 गेंद में 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अनमोल प्रीत सिंह ने 26 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। इसके बाद IPL 2023 में अपना पहला मैच खेल रहे सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडन माकरम पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। कुणाल पांड्या ने अपने 3rd ओवर में 2 विकेट जट गए। इसके बाद 51 गेंद में सुंदर और त्रिपाठी के बीच 5वें विकेट के लिए 39 रनों की साझेदारी हुई।